भीलवाड़ा के नारायणा ई टेक्नो स्कूल में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां जिला शिक्षा अधिकारी ने संस्थान की मान्यता को लेकर जांच करवाने की बात कही। साथ ही बता दें कि साधना न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से निजी संस्थान का खुलासा किया गया था। साथ ही अधिवक्ता मनीष शर्मा ने फर्जी मार्कशीट बनाने को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने संवाददाता स्वतंत्र पुरोहित और सहयोगी राहुल को धमकाते हुए लेनदेन करने का आरोप लगाया, जिसका संस्थान के पास कोई उचित प्रमाण नहीं है। वहीं रसूखदार व्हाट्सएप कॉल पर लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसको चलने के बाद आज नारायणा ई टेक्नो स्कूल के संचालक और वहां के जो कर्मचारी है उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, वहीं कोतवाली में भी रिपोर्ट दी, ऐसी सूचना आई है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जो उन्होंने जो भी मीडिया को बताया है उसमें कितनी सत्यता है? हमें उसमें सत्यता बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि जो जब हमें वो बता रहे कि कोई 11,000 रुपए नहीं लिए गए थे, एक्चुअल में जब दिसंबर 9 दिसंबर के बाद में हमारी सैलरी आई थी, उससे मोस्ट ऑफ 5 से 7 दिन के बाद में हम एडमिशन के रिगार्डिंग 11,000 रुपए लिए गए थे। और वहाँ बीबी जो बंदे काम करे उन सबसे ले रखे, भले वो बोले चाहे ना बोले, उनके उन सबसे ले रखे है। अगर उनके एडमिशन वाले आ गए तो अलग मैटर, बाकी अभी तक जहाँ तक मेरे को पता है नहीं आए हैं। और जो कार्निवल के नाम पे पैसे लिए गए वो भी अभी तक किसी को नहीं दिए गए हैं। दूसरी चीज जो ये बोल रहे हैं कि भाई 6 महीना ये स्कूल को चलते हो गए, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा हो गया, क्योंकि जो स्कूल की शुरुआत हुई थी वो 7 नवंबर के दिन चालू हुआ था और 8 से कंटिन्यूटी हुई थी। तो जो अभी तक तो इसको केवल 4 महीने पूरे हुए हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि 6 महीने से चल रहा है? और सैलरी की जो बात ये कह रहे थे कि सैलरी टाइम से आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी ये सब बताते हैं कि भाई 25 से 25 की सैलरी बनती है, लेकिन जो हमारी सैलरी आती है वो आती है 10 तारीख 11 तारीख। और इस बार जो फरवरी में जो हमारी आधी सैलरी आई थी 9,600 वो तो वही थी। तो मैं इस बात को नहीं कहता हूँ कि सैलरी टाइम पे आती है, और इंसेंटिव का ये हमें हमेशा से कहते आए कि इंसेंटिव टाइम से आ जाएगा। लेकिन मेरे जो 3 एडमिशन थे उसमें से केवल 1 एडमिशन का मेरे पास जनवरी की 25 तारीख को 3,000 इंसेंटिव आया, उसके सिवा कुछ भी नहीं आया। खंडन करता हूँ। और जो मीडिया वालों के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने हमें भड़काया, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके द्वारा हमने जो बात कही है उससे ही हम आज उनके हमारे पास कि आपके पैसे ले जाओ उसके लिए कॉल आ रहे हैं। बाकी हम अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे, वो ना ही हमारे पास हमको पैसे लेने के लिए कॉल करते या हम अपना पूरा पैसा ले पाते। अगर मेरे साथ में कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये सब जो नारायण संस्था वाले हैं, जो यहाँ के ब्रांच मैनेजर वगैरह और जो कार्मिक कर्मी वो रहेंगे। क्योंकि मैं अगर मैं अकेला हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ में कोई ऐसा कोई हादसा हो, तो अगर कुछ होता है तो इन सबके जिम्मेदार हो। जी मैडम। हाँ जी सर, मैं भी उन पीड़िताओं से हूँ जो कि है ना जिनके साथ में गलत हुआ है। सत्यम स्वामी ने जिस तरीके से मेंटल हेरासमेंट किया उन्हीं में से एक हूँ मैं भी। और सत्यम स्वामी के खिलाफ मतलब फेवर में जो विकी व्यापक ने जो चीजें बोली है मीडिया के सामने वो सारी की सारी गलत है। पहला तो उन्होंने जो बोला कि जर्नलिस्ट को ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती। सत्यम स्वामी सर से जब हमने ये बात करी थी, जब उन्होंने जर्नलिस्ट लोगों ने हमारे साथ में ज्वाइन किया था, तब ही हमने कहा था कि जर्नलिस्ट लोगों की यहाँ पे सिस्टम में कहाँ जगह है। तो सत्यम स्वामी सर ने हमको ये कहा था कि जर्नलिस्ट लोग ही बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, इनको तो मैं अपने लेवल पे देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ज्वाइन करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें कहा था। जब उन्होंने हमें ऐसा कहा था तो अब वो ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात कि उन्होंने हमें बोला कि ना पैसे का सेटलमेंट के लिए, अगर उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए तो हर एक बंदे के पास आकर के वो सेटलमेंट क्यों कर रहे हैं, क्यों वो व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, क्यों वो कॉल्स करते हैं, क्यों हमें ये बोलते हैं कि आपका दिया आप पैसा लेके जाओ, जब अगर हमने हमसे लिए ही नहीं तो सेटलमेंट की बात कहाँ से आ रही है? तो दोनों ही बात गलत है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि जैसे इसने 5-6 महीने पहले से ज्वाइन किया, लेकिन हकीकत तो ये है 15 फरवरी तक हम वहाँ पे कार्यरत थे, तो वहां पे तब तक विक्की व्यावक नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, लेकिन हमारे जाने के बाद वो आया, तो 6 महीने के पहले की बात उसको कैसे पता है? तो मेरा अकॉर्डिंग तो ये सारी चीजें फेक है। विक्की व्यावक को हमारा आगे रखकर सत्यम स्वामी ने अपनी बातों को रखवाया है, उन्होंने बोला है, और मेरा अकॉर्डिंग ये सारी चीजें गलत है। मेरा अकॉर्डिंग नहीं, हकीकत में ये चीज गलत है। विक्की व्यावक अपने मन से चीजों को बना के बोल रहा है सत्यम स्वामी के फेवर में। आज आपके आने का प्रयोजन क्या? सत्यनारायण स्वामी जी ने मीडिया को बुला करके जिस तरह से बोला है कि मीडिया वालों ने हमें भड़काया है, तो हम बताना चाहते हैं मीडिया वालों ने हमें नहीं भड़काया है, हम बच्चे नहीं हैं, उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। जितने भी यहाँ पे सब लोग खड़े हैं एक्स एम्प्लॉय हैं नारायणा ई टेक्नो स्कूल भीलवाड़ा ब्रांच के, उनके साथ गलत हुआ है, इसीलिए हम लोग मीडिया बल्कि हमको सपोर्ट किया है मीडिया वालों ने। हम ये बताना चाहते हैं मीडिया गलत नहीं है, मीडिया ने जो भी न्यूज़ चलाई है बिल्कुल सही चलाई है। ओके,
आज किस लिए यहाँ कलेक्टिव में हम सर है ना, ऐसा कोई चीज गलत नहीं हो, हम अपनी तरफ से हर एक चीज बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, जो चीज हमारे साथ हुई है वो सही हुई, मतलब उसने गलत किया सत्यम स्वामी ने। क्या गलत हुआ सर? उन्होंने जिस तरीके से हमारे ना हमको बोला एडमिशन के नाम से हमसे 11,000 रुपए लेना, कार्निवल के नाम से, किसी भी स्कूल में इवेंट होता है ना तो स्टाफ से पैसा नहीं लिया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद देता है पैसा, तो सत्यम स्वामी ने 4,000 हर एक एम्प्लॉय से लिया, ऑनलाइन पेमेंट गया है सत्यम स्वामी के अकाउंट में, पैसा गया है, इसका हमारे पास स्क्रीनशॉट है, हमारे अकाउंट बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, उन्होंने एडमिशन के नाम से एंट्रेंस में जब हमारी जॉइनिंग हुई थी, जॉइनिंग के टाइम पे 10 डेज में उसने हमें बोला कि आपको जॉइनिंग तभी कंफर्म करेंगे जब आप एडमिशन डाल देंगे। सर जाते से ही तो हम एडमिशन दे नहीं सकते, भीलवाड़ा का पेरेंट नारायणा को जानता ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे, तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप तो एक काम करो पैसा दे दो 11,000 और आप तो अपना एडमिशन कंफर्म कर लोगे, आप मतलब अब ये मान लेना कि आपकी जॉइनिंग कंफर्म हो जाएगी। उस वक्त हमें समझ में नहीं आया क्योंकि स्टाफ में सभी ने हमसे पहले पैसे दिया हुआ था, जो स्टाफ वहाँ पे था, तो हमने भी इस वजह से हमने दे दिया, लेकिन नेक्स्ट मंथ जब समझ में आया कि हम पैसा दे क्यों रहे हैं, क्योंकि वो पैसा ही नहीं आया जो हमने फर्स्ट टाइम दिया था। सेकेंड टाइम जब मुझसे पैसा मांगा गया तो मैंने कहा इस तरीके से तो काम हम नहीं कर सकते सर, हम पैसा कमाने के लिए यहाँ आए ना कि हम देने के लिए आए। तो सत्यम स्वामी ने मेरे को बोला कि मैम यहाँ तो ऐसा ही चलेगा, इसी तरीके से काम होगा। उनका ये आरोप है कि आप लोग सेटलमेंट के नाम पे कुछ पैसा उनसे मांग रहे हैं। नहीं, सेटलमेंट के नाम से हम पैसा नहीं मांग रहे सर, जो पैसा हमने खुद ने हमारी जेब से दिया है, जो नारायणा ने हमें पे ही नहीं किया, तो सर हमारी जेब का पैसा हम उन्हें क्यों देंगे ना, क्यों उनको देंगे? उन्होंने ले लिया एडमिशन के नाम से तो वो तो मांगेंगे ना सर, वो हमारा हक ही नहीं है। तो फिर कि आप हमारा पैसा नहीं देंगे तो आपका जो सेंट्रल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ हम कंप्लेन को पहुँचाएंगे अपनी, या फिर आप ना हमें राजीव खुशी अपना पैसा दे दीजिए सर। तब उन्होंने मुझे धमकी वाला मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे और मुझे बोला कि आपने मेरे खिलाफ़ एक भी शब्द गलत बोला तो मैं आपका ना उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। मैडम आप देख लीजिए, धमकी के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज करा रहे हैं? नहीं, मैं उस धमकी के खिलाफ मुकदमा नहीं, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बुला के मेरे को पैसा दिया, उसने मेरे 12,000 रुपये मैं मांगती थी उन्होंने मुझे दिए, जिसके लिए उन्होंने एक लाइन अपनी डायरी में लिखवाई है कि स्वामी के साथ हिसाब क्लियर। अगर सेटलमेंट होता तो उसने मुझसे ये लाइन लिखवाई क्यों थी? भीलवाड़ा शहर में एक शासकीय नगर स्थित एक SDA स्कूल की जगह एक नारायणा स्कूल आया भीलवाड़ा, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? विभाग के संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, विभाग ने SDA स्कूल को ही मान्यता दे रखी है। SDA स्कूल की जगह सर नारायणा स्कूल जो खुला है वो भीलवाड़ा में एडमिशन ले रहा है, उसके प्रति कोई रसीद भी नहीं दे रहा है और 11,000 रुपये का शुल्क ऐसा कुछ लिया जा रहा है, तो इसकी कुछ जानकारी है, ऐसा कुछ सही है? देखिए, इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप पहले व्यक्ति हैं जो मुझे इसके बारे में बता रहे हैं, आज तक ने किसी अभिभावक ने या अन्य ने कोई शिकायत मुझसे की नहीं है। एक स्कूल परिसर में दोनों स्कूल चलना संभव है? एक सोसाइटी द्वारा यदि दो संस्थाएं चलाई जा सकती है तो हमारी अनुमति से वो चल सकती है, लेकिन समिति एक ही होगी, अन्य समिति आकर के उस संस्थान का उपयोग बिना पूर्वानुमति के नहीं कर सकती। अंतर्राज्य कंपनी सर जो कोई भी स्कूल का ग्रुप है वो भीलवाड़ा में आकर नारायणा ई टेक्नो ग्रुप से कोई स्कूल संचालित कर रहा है, तो इसका उसकी मान्यता के लिए कोई आवेदन किया गया या मान्यता दी गई अभी तक? देखिए, 17-23-24 की मान्यता के लिए स्थानीय कार्यालय को आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसमें नारायणा एजुकेशन सोसाइटी के नाम से कोई आवेदन मुझे नहीं मिला है। किस प्रकार की मान्यता दी गई अभी तक? नहीं, मान्यता तो देने का प्रश्न नहीं उठता, आवेदन ही नहीं हुआ है तो कार्यालय के द्वारा NOC जारी करने के लिए अनुशंसा दी जाती है। सर अब इसमें जैसे आपके आज संज्ञान में आया है तो इस पे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है तो मैं जांच दल गठित करके शीघ्र ही इसके बारे में जाँच करवाऊंगा ताकि अभिभावकों और अन्य को आने वाली समस्याओं से मैं बचा सकूं। सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो गतिविधियां हो रही है इससे बच्चों की जिंदगी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है? नहीं, बिना जांच के मैं इस बारे में भी कुछ कह नहीं सकता। सर सुनना डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक भीलवाड़ा। स्कूल ग्रुप में लेकर के जो गतिविधियाँ होती थी, किस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पर होती थी?
बहुत ही गंदी गतिविधियाँ थी, अच्छी नहीं थी। स्वामी के अपने खुद के रूल बनाना, खुद के ही सेकंड डे तोड़ देना, और सारी गर्ल्स के सामने, वुमेंस के सामने, लेडीज़ के सामने, जेंट्स के सामने गर्ल्स पर गलत गलत आरोप लगाना। इवन मेरे ऊपर भी उसने बहुत ही गलत आरोप लगाया है कि मैं गंदे कैरेक्टर की लड़की हूँ, बहुत ही मेरा गंदा आचरण है, ऐसे किया उसने। फिर जयपुर जो गए हम, वहाँ पर उसने सत्यम स्वामी ने मेरे खिलाफ़ बहुत गलत गलत बातें बोली और उसके सेकंड डे मुझे रिमूव कर दिया। और दूसरी बात कि मैं 10th पास हूँ, उसके बावजूद मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, 12th बीए वगैरह की, उसके बावजूद भी मैंने उसको बोला सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, उसने बोला आप तो ज्वाइनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, और बीए की मेरी मार्कशीट बना के उसने मेरे को नारायणा में ज्वाइन करवाया। उसके बाद 15 डेज के बाद उसने मुझे बोला कि मैम आधे मंथ की सैलरी आपको मुझे देनी पड़ेगी। और मैंने बाकी सबसे बात करी कि किस किस से सैलरी मांगी, तो 10-15 जनों ने बोला कि हाँ हमसे भी मांगी है, तो मैंने सबके खिलाफ़ आवाज़ उठाई, मैंने कहा सैलरी कोई भी नहीं देगा, 15 दिन की सैलरी हम सत्यम स्वामी को क्यों दें जबकि जॉब हम कर रहे हैं, डोर टू डोर हम जा रहे हैं। तो मेरे ये ऑब्जेक्शन उठाने पे सत्यम स्वामी ने मुझे 4 दिसंबर को वहाँ से रिमूव कर दिया। फिर घूमर का जो फेस्टिवल हुआ था उसमें जो भी वो पार्टी आर्टिस्ट थे उनके मतलब मेरे खिलाफ़ भी उनको बहुत कुछ बोला कि ये गंदे करेक्टर की लड़की है, आपने इसको इसमें पार्टिसिपेट क्यों करवा रहे हो। फेल हूँ या 10th पास हूँ तो उसमें जैसे कि नारायणा में एक ये समझ लो कि बहस है कि या कुछ सिस्टम है कि उसमें बीए मतलब आपको पूरा कंप्लीट ही चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, मैं 10th पास हूँ। तो उसने बोला कि आप निश्चिंत रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी बीए की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आपको बना के मैं दूंगा। और उसने मेरे को बीए की मार्कशीट बना के दी, उसके पास मेरे पास आईडी प्रूफ हैं उस चीज़ के। और उसके बाद उसने मेरे को बिना किसी रीज़न के और ऐसे करेक्टर पे उंगली उठा के ऐसे उसने बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है कि उसने मेरे करेक्टर पे उंगली उठा के मेरे को वहाँ से रिमूव कर दिया। नारायणा ई टेक्नो स्कूल जो कि भिलवाड़ा में अभी संचालित होने की कगार पे है, जिसका अभी लाइसेंस भी नहीं हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है, सामने आया है कि ये सब प्रताड़ित होकर कर्मचारी जिनका पैसा उन्होंने गलत तरीके से हड़पा है, गलत तरीके से लिया है, उसी की जांच पड़ताल, जांच प्रशासनिक जांच के लिए हम कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मांग करने आए हैं कि इस स्कूल का सही तरीके से जांच पड़ताल करके कि क्या ये यहाँ पे संचालित हो सकता है इस तरीके से, जो कि बिना मान्यता के, बिना प्रमिसेस के एसडीए स्कूल के यहाँ पर संचालित होकर और पेरेंट्स को, अभिभावकों को गुमराह करते हुए बच्चों के नाम की फ़ीस लेके और इस तरीके से फर्जी एडमिशन लिए जा रहे हैं। इनसे भी सभी कर्मचारियों से फर्जी तरीके से एडमिशन के नाम पर काम करवाया गया। जब इन्होंने विरोध करना चालू किया कि ये गलत हैं, तो इनको सभी को बिना कारण से निकाल दिया गया। तो हम उसी की प्रशासनिक जांच के हिसाब से आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब के यहाँ पेश हुए। क्या नाम है? मनीष शर्मा एडवोकेट। जो भी उन्होंने न्यूज़ दी है, पहली बात तो उसमें कोई मुझे सही बात नहीं लगी कुछ भी, क्योंकि जो जिन्होंने न्यूज़ दी वो विक्की ब्यावर जी थे, और 14 को तो मैं वहाँ से निकली 14 फरवरी को, तो तब तक तो वो थे ही नहीं। और वो ऐसा कह रहे कि 5-6 महीने हो गए उनको, तो 13 अक्टूबर को तो स्वामी जी यहाँ पे भिलवाड़ा आए थे, और उसके बाद में स्कूल ही नवंबर से स्टार्ट हुआ, तो उनकी जॉइनिंग तो अभी तक हुई भी नहीं, मतलब शायद ही आप वो देख सकते हो उनकी सैलरी स्लिप या उनकी आईडी जॉइनिंग देख सकते हो, तो आपको आप लोगों को पता चलेगा कि। और इवन ये भी बोला जा रहा है कि मीडिया वाले हमको भड़का रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है, इवन हम उनके थ्रू ही हमारी जो बातें, हम जो हमारे पैसे की जो डिमांड करते हैं 11,000, जो भी उन्होंने बोला है कि 11,000 भी वो तो तब थे ही नहीं जब हमसे 11,000 रुपीज मांगे गए थे, इवन कार्निवल के भी जो पैसे मांगे गए थे तो वो अभी तक हमको मिले भी नहीं है। और ये लोग हमको मतलब बोलकर ऐसा बोल रहे कि ये झूठ बोला गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम विथ प्रूफ वो चीज़ कर सकते हैं कि हमारे पास उस चीज़ का प्रूफ है कि हमने पैसे भी दिए हैं। और विक्की ब्यावर जी को इतना टाइम अभी हुआ नहीं है जो वो बोल रहे हैं कि मुझे 5-6 महीने में यहाँ पे काम किए हुए। ऐसा सुनने में आया कि आपके घर पे भी कुछ लोग आए थे, तो किस लिए आए थे? घर पे नहीं आए थे, एक्चुअली भैया की शॉप पर आए थे, विजय सर आए थे, विक्की बावड़ आए थे और स्वामी सर आए थे। उनको ये बोला गया कि मनीषा को बोलो कि माफीनामा लिख कर दे, पर मैंने ऐसी कोई गलत बात कही नहीं है, जब मुझे जो चीज़ मेरे साथ हुई है मैंने तो वही क्लियर किया है, तो इस चीज़ के लेकर